Integral and under the heading of multiple integral we shall do the concept of a change of order of integration and change the order of integration. This is a very important topic in your course, in which we have to change the order of integration. Let us start with the question. The question straightway is, you have to solve this double integral. The double integral is 0 to 1 and x to square root x f of x y dx dy. This is the question we have. Function नहीं उन्होंने दिया, function उन्होंने general कर दिया. इसमें सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि limits कैसे बदलना है, order कैसे बदलना है. अच्छा, given क्या है? Region of integration. Given region of integration is denoted by capital R, that is x y. Given region of integration mean limits. अब it is clear, ये जो x to square root x है, क्योंकि ये x में limit है, तो ये y की limit है. It is clear. Y की limit ही दूसरे variable में होएगी ना, x में. X की limit x में हो नहीं सकती. So it is clear that these are the limits of y. और then 0 to 1 जो limit है वो x की है. It is clear from the statement. लेकिन what we have to do, we have to change the order of integration. Change of order करने के लिए इससे क्या पता चलता है? X is equal to y, ये पता चलता है. और y is equal to square root x, ये हमें पता चलता है. और x is equal to 0 and x is equal to 1, ये हमें पता चलता है इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से. हमें एक नया रीजन बनाना है. चेंज ऑफ ऑर्डर का मीनिंग क्या है? चेंज ऑफ ऑर्डर का मीनिंग है कि यहां y की लिमिट x में दी है, तो जो नया रीजन बनेगा उसमें x की लिमिट y में होनी चाहिए और y की लिमिट कांस्टेंट में होनी चाहिए. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर. नाउ प्लॉट दीज इक्वेशंस इन द एक्स वाई प्लेन. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. दिस इज ओरिजिन पॉइंट. इट इज क्लियर टू अस. वाई इज इक्वल टू एक्स. अगर हमने प्लॉट करना हो तो वो ऐसा होएगा. एट 45 डिग्री द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. y equal to square root x. What is this? This is y square is equal to x. यहाँ से हमारे पास आता है. और y square equal to x क्या होता है? Right handed parabola होता है. So this is y square is equal to x. This is the origin point and this is the point of intersection. Clearly this point of intersection is 1 1, because you can find out the intersection of these two equations. क्योंकि y square equal to x है हमारे पास यहाँ से. Put y equal to x here, तो x square equal to x बन जाएगा. x minus 1 equal to 0, so x equal to 0 and 1 यहाँ से आ जाएगा. और जब आप x equal to 0 यहाँ भरेंगे तो y equal to 0, ये पॉइंट बन जाएगा 0 0. और जब x इक्वल टू 1 भरेंगे तो y इक्वल टू 1 1 1 पॉइंट दे देगा हमें. सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव. चेंज ऑफ ऑर्डर का मीनिंग है, आई एम रिपीटिंग दिस, कि जो y की लिमिट x में दी है इनको आप उल्टा कर दीजिए, जस्ट रिवर्स कर दीजिए कि x की लिमिट y में आ जाए. तो न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय r डैश. तो हम लोग ऐसा करेंगे, x की लिमिट y में लेकर के आएंगे. और x की लिमिट के लिए यू नो इट,
हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ता है, तो हॉरिजेंटल स्ट्राइप आता है, ये मैंने पिछली क्लासेस में बताया। सो फॉर द लिमिट ऑफ एक्स एट दिस पॉइंट एक्स की वैल्यू और एट दिस पॉइंट एक्स की वैल्यू, ये हमें चाहिए। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला, दिस इज द पैराबोला वी हैव, और ये वाला पैराबोला है, इस पैराबोला पर एक्स की वैल्यू कितनी, वाई स्क्वायर। तो लोअर लिमिट आपका आ जाता है वाई स्क्वायर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, सो एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज वाई। तो ये आपके पास एक्स की लिमिट आ जाती है वाई स्क्वायर टू वाई। व्हाट अबाउट द कॉन्स्टेंट लिमिट, कॉन्स्टेंट लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो टू वन, कॉन्स्टेंट लिमिट किसकी होएगी, वाई की, और एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ वाई इज जीरो एंड एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ वाई इज वन। सो दिस इज द न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। अगर आपको याद हो लास्ट टू लेक्चर्स, तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। मैं जो लिमिट लेता था, मैं कहता था कि इसको उल्टा करके आप लोग घर से लिमिट करके ये क्वेश्चंस करेंगे, रिमेंबर और नॉट? यस सर, आपको ये मैंने आपको घर से बोला था कि क्वेश्चन करना, बस यही होता है चेंज ऑफ ऑर्डर। अब चेंज ऑफ ऑर्डर का ये भी मीनिंग हुआ, यहाँ y की लिमिट x में दी है, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि पहले इंटीग्रेशन होएगा y से और फिर होएगा x से। लेकिन अब जो नया आया है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, वो आपके पास नया इंटीग्रेशन रीजन आ गया है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, फॉर द न्यू इवेल्युएशन ऑफ द इंटीग्रल, जो इंटीग्रेशन होएगा वो सबसे पहले x से होएगा, क्योंकि x की लिमिट y में है, y स्क्वायर टू y, और y की लिमिट कॉन्स्टेंट में है। तो यहाँ dx dy आएगा, और जो ऊपर वाला था उसमें dy पहले, ये dy पहले होना चाहिए, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई अगर दिया होता तो वी कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस नाउ, सपोज इन दिस केस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ऑनली, सो इट इज गिवन टू अस। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आई एम जस्ट सपोजिंग दिस, सो पुट एक्स डी एक्स डी वाई, एंड यू नो दैट सबसे पहले हमने एक्स से ही इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि एक्स की लिमिट वाई में है, सो यू कैन इंटीग्रेट इट, दिस कम आउट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर टू, पुट द लिमिट वाई स्क्वायर टू वाई, वन बाय टू कैन बी टेकन आउट, पुट अपर लिमिट वाई स्क्वायर माइनस वाई फोर डी वाई। अब फर्दर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यू विल गेट दैट दैट इज वाई क्यूब ओवर थ्री, एंड दिस इज वाई फाइव ओवर फाइव, सब्स्टिट्यूट द लिमिट जीरो टू वन, एंड व्हाट इट कम आउट टू बी, वन बाय थ्री माइनस वन बाय फाइव, सो इट कम आउट टू बी वन बाय फिफ्टीन, यू कैन कैलकुलेट। सो दिस इज द रिजल्टेंट आंसर इन दिस केस, इज इट क्लियर टू यू? दिस इज द रिजल्टिंग आंसर। ये आया है जब हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, आर डैश ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, जो गिवन है उससे भी चेक करते हैं, गिवन क्या था आर, अब हम आर से इस क्वेश्चन को सेम को कर देता हूं, आर से भी वैल्यू का नाम मैं आई ही रख देता हूं, क्योंकि जनरली इंटीग्रल के लिए हम लोग आई ही यूज करते हैं। सो दैट इज जीरो टू वन, एंड द लिमिट्स वर एक्स टू स्क्वायर रूट एक्स, एंड व्हाट इज एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स डी वाई डी एक्स, दीज वर द वैल्यूज, लेट अस डू दैट। एक्स सबसे पहले इंटीग्रेशन होएगा वाई से, क्योंकि वाई की लिमिट एक्स में दी है, तो एक्स को कांस्टेंट का काम करेगा, और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या, वाई, सब्स्टिट्यूट द लिमिट एक्स टू स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, अपर लिमिट इज स्क्वायर रूट एक्स
minus x dx, that is 0 to 1, x raised to power 3 by 2, and x square dx. So integrate it now. X raised to power 5 by 2 over 5 by 2 minus x cube upon 3. Put the limit 0 to 1. That is 2 by 5. 1 raised to power 5 by 2. This is for upper limit 1. And that is 1 by 3. Now, what it come out to be? This is a 2 by 5. Because 1 ki power 5 by 2. 1 hi rahega. So 2 by 5 minus 1 by 3. Take LCM 15. This come out to be 6 and this come out to be 5. Is it okay? Same answer aa gaya? Yes, sir. This is also 1 by 15. So by changing the order of integration ka matlab ये नहीं है कि उसके आंसर में उसका फाइनल आउटपुट में कोई चेंज आएगा. चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन वी शुड बी वेल अवेयर दैट हाउ टू चेंज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज द मीनिंग ऑफ चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. एंड आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ. यस सर. यस सर. Now a different question is there. This is also the question of changing the order of integration, but dhyan se samjhiyega. Sakshi, are you here? Yes, sir. Okay. Anjali Rani? Yes, sir. This is the question we have. This is xy dx dy. Is question ko aap dhyan se samjhiye. इसको हमने इंटीग्रल को नाम दे दिया आई. इट इज क्लियर दैट वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस आल्सो एंड सॉल्व द फाइनल आउटपुट. व्हाट इज गिवन टू अस, रीजन आर इज गिवन लाइक दिस. दीज आर द लिमिट्स एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स. सो क्लियर है ये वाई की लिमिट है क्योंकि एक्स में दी है ना. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है. कैसे पता चलता है कि यह y की लिमिट है. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं. ये क्योंकि x में दी है ना तो ये y की लिमिट ही होएगी और x की लिमिट होएगी 0 टू 1. ये हमें गिवन है. अब हमने चेंजिंग द ऑर्डर कर देना है. लेकिन उससे पहले व्हाट इज दिस. दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू y फ्रॉम दिस एंड y इक्वल टू 2 माइनस x यहां से और x इक्वल टू 0 यहां से और x इक्वल टू 1 यहां से. ये हमारे पास कर्व्स आ जाती हैं. नाउ लेट अस प्लॉट दीज कर्व्स. प्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें कर्व का पता होना चाहिए कि ये कर्व कैसे प्लॉट होएगी. जैसे हमें सभी पैराबोलास पता होने चाहिए. दिस इज x एक्सिस and this is y axis. But first is x square equal to y. It is upward parabola. This is upward parabola. X square equal to y. And what is this? This is x plus y is equal to 2. And x plus y equal to 2 will be a curve like this. This. And this point, it is meeting like here. This is x plus y equal to 2. And x-axis per y 0 hota hai. Ye sabko pata hai. So y 0 put karenge, the x should be 2. Iska seedha seedha matlab hai ki ye point hai 2, 0. Ye iska meaning hai. Aur jab y-axis par bharenge, y-axis par x 0 hota hai. To x 0 bharenge, to y equal to 2. Wo ye point hoega. 0, 2. Always remember, point of intersection find karna bahut important hai. Is it clear? Yes, sir. Clear. Sabhi log apna mic on rakh lijiye, agar piche koi shor shraba nahi hai to. Ab dhyan se dekhne wali baat ye hai, ke ye jo curve hai, ye humare paas region of integration hai. This is the region of integration. This is O point. This is the point P and this is the point Q. So O से लेकर P
से लेकर क्यू एंड क्यू टू ओ, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें हमने चेंज ऑफ ऑर्डर करना है। लेकिन इसमें ये एक लाइन है स्टेट, ये स्टेट आती है, ये भी स्टेट लाइन है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये कर्व है, दिस इज कर्वी लीनियर, और ये कर्व जा रहा है पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि हमें इस रीजन में कोई प्रॉपर शेप नहीं दिख रहा है। तो व्हाट यू विल डू, इसमें आप लोग डिवीजन कर देंगे ऐसे। अब ऊपर वाला तो प्रॉपर एक ट्रायंगुलर शेप दिख गया, नीचे वाले में ये कर्व अभी भी बचा है। व्हाट डज इट मीन? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम लोग लिमिट्स का पार्टिशनिंग करेंगे। अब लिमिट्स का पार्टिशनिंग होएगा ऐसे, ये है वर्टिकल स्ट्राइप, वर्टिकल स्ट्राइप इज ऑलवेज फॉर द लिमिट्स ऑफ वाई, यू नो इट, एंड फॉर द लिमिट ऑफ एक्स लेफ्ट टू राइट, ओके, यस सर, फॉर द लिमिट्स ऑफ एक्स लेफ्ट टू राइट। अब आपको फिगर की शेप जैसे मैंने बनाया इससे क्लियर हो गया होगा, मैंने क्यों इनको दो पार्ट में डिवाइड करा, वो दो पार्ट में मैंने इसलिए डिवाइड करा कि अगर मैं यहां से यहां तक ही अकेला लिमिट लेता एक्स का तो ये ऊपर वाला पोर्शन काउंट नहीं होता। इसमें तो हमारा काउंट होता ये वाई एक्सिस से लेकर के पैराबोला, ध्यान से देखो, और अगर मैं यहां से लेकर यहां तक करता तो वो भी काउंट होता वाई एक्सिस से लेकर के स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू। अगर मैं पैराबोला लेता तो ये छूट जाता x प्लस वाई इक्वल टू टू, और अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू टू लेता तो पैराबोला लेफ्ट हो जाता। बट वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द कर्व्स, पैराबोला का भी इन्वॉल्वमेंट है और दिस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू टू का भी इन्वॉल्वमेंट है। दैट इज वाई वी हैव टू स्प्लिट इट इंटू टू पार्ट्स। सो दो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बन गए, इसका आप नाम दे दीजिए आर डैश और इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन का नाम दे दीजिए आर डबल डैश। सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से दैट आर इज इक्वल टू आर डैश प्लस आर डबल डैश, और यू कैन से दैट दिस इज द यूनियन ऑफ दीज टू रीजन्स, यूनियन कर लीजिए, दैट इज मोर बेटर। सो इसका मतलब आर डैश का आप अलग बनाएंगे और आर डैश का अलग बनाएंगे। आर डैश में हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन में सबसे पहले हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। जस्ट सी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नेम्ड एज पी, सो पी के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए और इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। दिस पॉइंट इसका नाम हम रख लेते हैं, दिस इज ए पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट चाहिए। ए पॉइंट क्योंकि वाई एक्सिस पर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होएगा। Let us find out the intersection point now. इसका intersection और इसका intersection. And just to find out x plus y equal to 2 and x square equal to y. ये आप लोग y इसमें भर देते हैं. Put y equal to x square in this. So you will get x plus x square equal to 2. X square plus x minus 2 is equal to 0 is there. If it is possible, you can find out the coordinates of by doing factorization. Factorization bataye 2x minus x minus 2. Is it okay? Excuse me, sir. Yes. सर जो ये जैसे अपन ने जो वाई एक्सिस पे जो अपन ने बनाया गया देन इसकी कंसेशन लिखनी पड़ेगी क्या लिखना पड़ेगा सर की मतलब हमने वाई एक्सिस पे ऐसे जैसे ड्रॉ के आर डैश आर डबल डैश मतलब जैसे कुछ थ्योरी वगैरह नहीं नहीं ऐसे ही दिखाना है आपने ऐसे दिखाओ आप थोड़ा एक दो लाइन लिखना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है द रीजन गिवन रीजन आर हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू टू सब रीजंस आर डैश एंड आर डबल डैश बस सिंपल सी एक लाइन लिख दीजिए ओके सर एंड सर ये जो आर डैश यूनियन लिया गया आर डबल डैश का हाँ जी यूनियन दोनों का यूनियन दोनों इकट्ठा होकर कंबाइंड होकर के पूरा रीजन दे रहे हैं ना आर ओके और उनको आगे मैं सेपरेट सेपरेट लिखने लगा हूँ यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है
and this come out of minus of x plus 2 is equal to 0, x plus 2 and x minus 1 equal to 0. तो हमारे पास दो पॉइंट बन गए एंड द पॉइंट्स आर x इक्वल टू 1 एंड माइनस 2. माइनस तो नेगेटिव साइड चला जाता है, वो नहीं चाहिए. x इक्वल टू 1 मीन दिस पॉइंट इज 1 एंड व्हाट अबाउट दिस. जब आप दिस इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस पर y 0 भरा तो ये पॉइंट बन गया, सॉरी y एक्सिस पर x 0 बना तो पॉइंट बन गया 0 2, एंड दिस इज एग्जैक्टली ऑन द हाफ ऑफ दैट. एक्चुअली OQ के बिल्कुल हाफ पॉइंट पर है ये. तो व्हाट आई वांट टू से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, अगर x इक्वल टू ये है 1, सो इफ यू पुट, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर भी लाई कर रहा है. तो अगर x इक्वल टू 1 आप इस लाइन में पुट करेंगे तो 1 प्लस y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 माइनस 1, y इक्वल टू 1. तो ये y इक्वल टू 1 पॉइंट है. सो अगर y इक्वल टू 1 है ये, तो क्लियर सी बात है ये पॉइंट फिर 0 1 कोऑर्डिनेट्स है. अब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ चुके हैं. कांस्टेंट वाले पॉइंट्स के लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि लिमिट एक कांस्टेंट में आनी है, क्योंकि चेंजिंग ऑफ ऑर्डर करना है. y की लिमिट x में थी पहले r में, अब हमें चेंज ऑफ ऑर्डर भी करना है. x की लिमिट y में चाहिए, इसमें r डैश में हम लोग x की लिमिट y में करेंगे. तो फॉर r डैश, r डैश ये वाला रीजन है ऊपर वाला. सो x की लिमिट y में मतलब यहां से लेकर के एट दिस पॉइंट, x वेरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी, 0 है. और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम देयर यू विल गेट दैट कम आउट टू बी 2 माइनस वाई. इक्वेशन ऑफ लाइन से ये वाली एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो वाई उधर जाकर के माइनस हो गया 2 माइनस वाई. अब बात आती है कॉन्स्टेंट की, वाई की लिमिट कॉन्स्टेंट में. इस पॉइंट पर जो वाई की वैल्यू है वी रिक्वायर दिस. इस पॉइंट पर वाई कहां से है, आगे 1 से है. So that varies from 1 to 2. 1 to 2 ही जा रहा है पॉइंट, यहां से अपवर्ड जा रहा है ना. इस पॉइंट पर y की वैल्यू है ये वाला पॉइंट 1, और यहां से लेकर के यहां तक 1 to 2, ये r डैश आ गया. अब हम लोग r डबल डैश फाइंड करते हैं, नीचे वाला रीजन, दिस वन ओ ए पी, दिस इज द रीजन r डबल डैश. और r डबल डैश में भी हमें x की लिमिट y में चाहिए, तो लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगा. और लेफ्ट पर दिस पॉइंट पर x की लिमिट है 0, लोअर लिमिट, एंड अपर लिमिट पैराबोला पर आ रहा है ये पॉइंट. और पैराबोला पर x की वैल्यू है x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ y. पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है. और द लिमिट ऑफ y, the y varies from this point to this point, यहां तक. तो इस पॉइंट पर y की है 1 और इस पॉइंट पर है 0, that is 0 to 1. So this is the subdivision of r, and now you will get i is equal to, i हमारे पास था ये 0 to 1, x square to 2 minus x, xy dx dy, ये given था. This was given to us. अब हमारे पास दो नए सब रीजन बन गए, प्लस कर देते हैं उसको. और जो फर्स्ट है r डैश, वो है लिमिट्स 0 टू 2 माइनस y x की, और y की लिमिट्स है 1 टू 2 xy dx dy. और r डबल डैश यहां पर लिखते हैं 0 टू स्क्वायर रूट y xy dx dy एंड 0 टू 1. दीज आर द limits of two sub regions. Any question? No sir. To ask? Any other? Any doubt sir, in जो this? Sir, जो r dash है उसमें 0 to 2 minus y लिए है ना सर? हाँ जी, 0 to 2 minus y.
नो सर, मैं गलती लिख रहा सर. ओके ओके ठीक है सर. लिखा हुआ है 0 to 2 - y, x को लिया है. चलिए अब हम इसको वैल्यूएट करते हैं. तो लेट अस डू द इंटीग्रेशन 1 to 2. यहाँ y ये लिमिट है 0 to 2 - y, तो y में लिमिट है तो x की लिमिट है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए x स्क्वायर ओवर 2 विद द लिमिट्स 0 to 2 - y, दैट इज y dy. यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए x से x स्क्वायर ओवर 2 0 टू स्क्वायर रूट y y dy. सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स 1/2 बाहर ले लीजिए, 2 - y का स्क्वायर y dy प्लस 1/2 इज आउट 0 to 1, एंड पुट द लिमिट दैट कम आउट टू बी y इनटू दिस y y स्क्वायर. ऑलरेडी एक y है और जब यहां भरेंगे स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वो y स्क्वायर बन जाएगा. इसको थोड़ा सा सम अप कर देते हैं, ओपन द फॉर्मूला यही कर देते हैं, 4 + y² - 4y (y). सो व्हाट इट कम आउट टू बी 1 to 2, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4y + y³ - 4y² (dy) + 1/2 (0 to 1) (y² dy). नाउ इंटीग्रेटेड. अब जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 4y² / 2 + y² / 4 - 4y³/3. द लिमिट्स आर 1 to 2 + 1/2 y³/3. वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन लिमिट्स आर 0 to 1. नाउ 1/2, पुट अपर लिमिट 2 हेयर. जब आप अपर लिमिट 2 भरेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 × 4 = 16/2 = 8, प्लस 2^4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 8, 2 × 2 = 16, 16/4 = 4, माइनस व्हेन यू पुट 2 हियर 8, 8 × 4 = 32/3. नाउ पुट 1, पुट 1 हियर दैट इज 2, दैट इज 1/4, दैट इज 4/3. ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट भरने के बाद दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/3. अपर लिमिट से ही आएगा क्योंकि लोअर लिमिट तो जीरो है, वो आंसर नहीं दे पाएगा. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. 8 + 4 = 12 होता है, 12 × 2 = 36, 12 × 3 = 36, 36 - 32 = 4/3, एंड फ्रॉम दिस that come out to be, take the LCM, LCM is 12, and let us do here, that is 2 + 1/4 - 1/3, 12, that is 24 + 3 - 16, so 27 - 16, 11/12, that is 11/12 + 1/6. So I think so, you need to solve it. Again, the LCM is 12, and that is 16 - 11/12. So this comes out to be 5. 5/24 + 1/6. That is 24, 5 + 4. That is 9/24. That is 3/8. This is the exact answer. ये simple algebraic calculation है जिसको आप easily कर सकते हैं. This is very important question in which subdivision is needed for changing the order of integration. So I conclude here. So thank you very much. You can ask me question. Any question you want to ask?